भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में 200 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए इस मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 5 विकेट गंवाकर 351 रन बनाए। मैच में भारतीय टीम की तरफ से 450 लगी। स्टार ओपनर शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन वो शतक से चूक गए। उन्होंने 52 गेंदों पर 85 रन बनाए। संजू सैमसन ने 41 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 64 गेंदों पर 77 रन बनाए। बिल्कुल देखिए, और आखिर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने कमान संभाली और उन्होंने भी आदिशी 50 जमाए। तो वेस्टइंडीज पर 200 रन की महाजीत के साथ ही भारत ने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। ये रनों के लिहाज से वेस्टइंडीज के खिलाफ उसी के मैदान पर भारतीय टीम के वनडे फॉर्मेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भी विदेशी धरती पर भारत की सबसे बड़ी जीत कैरेबियन टीम के खिलाफ हुई थी, जिसमें 27 जुलाई 2022 को पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज को 119 रनों से हमने मात दी थी। मौजूदा वनडे सीरीज जीतकर भारत ने अपना एक और रिकॉर्ड मजबूत कर दिया। ये किसी एक टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने का भी रिकॉर्ड है, और भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ही लगातार सबसे ज्यादा 13 वनडे सीरीज जीत ली है। इस मामले में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जिसने जिम्बाब्वे को लगातार 11 वनडे सीरीज में हराया।